ओके हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। एक्चुअली मैंने आप लोग कई सारे बच्चों को आ रहा था रिक्वेस्ट कि आप जो है पीपीएस का सी प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दो, तो मैंने एक वीडियो शूट किया है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताने का कोशिश किया है। तो मुझे लगा कि उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सारे आपके वीडियो में अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चैनल पर अपलोडेड है। तो एक बेसिक जो सवाल है जो कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि वो फिर से आपको पूछा जाए, वो है सी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले ऑपरेटर का सवाल। ठीक है, तो इसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसको आज मैं कर दूं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऑपरेटर का बहुत खास रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आप लोग का कि ऑपरेटर जो है ये बहुत खास रोल प्ले करता है, इसी के वजह से सारा ऑपरेशन आपका कैलकुलेशन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं आपके कंप्यूटर में दो ही तरह का काम होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, वन फॉर आपका क्या होता है उसको अपन बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि आप जो है जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करते हैं वो सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो किस्म का ऑपरेटर होता है वो टाइप्स होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल, राइट। उसके द्वारा आप क्या करते हैं, कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन, कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन। और कंप्यूटर जो डिसीजन लेता है उसमें क्या होगा कि सम इंस्ट्रक्शन और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट और नॉट इन पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कुल मिलाकर के जो इंस्ट्रक्शन, मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो दो टाइप कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और वो सारे इंस्ट्रक्शन को आप, खास बात ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर आप लिखते हो। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ कि ऑपरेटर का कितना बड़ा रोल है आपके प्रोग्रामिंग में, है ना। कि बिना ऑपरेटर के तो आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख ही नहीं सकते हो, कोई काम करवा ही नहीं सकते हो। दैट इज व्हाई देयर इज अ बिग रोल ऑफ ऑपरेटर। सो दैट कि ये सवाल आपको कई दफा क्या होता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग से ही। और हैरत की बात तो ये है कि आपको बड़ी आसानी से इसमें 14 मार्क्स का सवाल अगर आ जाता है तो you can score that marks। और इवन कि इसके ऊपर बेस्ड आप कई सारे सवाल भी, अगर ऑपरेटर का आपको आइडिया मिल जाता है तो आप कई सारे ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद मिल जाता है, फिर आपको पूरा लैंग्वेज का एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो ओवरऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट ना। तो अब आप देखें कि ऑपरेटर जो है आपका खासतौर पर सी प्रोग्रामिंग में थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप पूरा देखते रहेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रोग्रामिंग इज रियली वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट और वेरी वेरी इजी टॉपिक, राइट, वी शुड एंजॉय। ओके, तो देखिए इसमें जो होता है आपका ये पहला कैटेगरी आपका यूनरी ऑपरेटर का, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो है आपका बाइनरी ऑपरेटर का है, एंड थर्ड इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, वेरी क्लियर। तो अब आप देखिए इसको समझने का कोशिश करें कि ये जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूज डेटा, राइट, कि किस ऑपरेटर में कितना डेटा का यूज पड़ता है, आप इस्तेमाल करते हो, उसके आधार पर ये ऑपरेटर डिवाइड किए गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, देखो एक्सप्रेशन जो शब्द है ये हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत यूज करते हैं, वेरी कॉमन वर्ड। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, राइट, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इसको आप कह सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, तो ऑपरेंड का मतलब क्या हुआ, ऑपरेंड मतलब डेटा, ऑपरेंड मींस डेटा ऑन विच यू अप्लाइड ऑपरेटर, वेरी क्लियर। मतलब बहुत आसान है, इसको आराम से हम लोग समझते चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, पीसफुली आप बने रहो मेरे साथ, आपको अच्छे से समझ में आएगा वन बाई वन, जस्ट गिव मी टाइम। ओके, तो एक्सप्रेशन, हाउ कैन यू राइट एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन कैन यू राइट विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अब देखिए इस बात को मैंने यहाँ क्यों कहा, मैंने यहाँ इस बात को इसलिए कहा कि ये जो यूनरी ऑपरेटर है, जस्ट फोकस ऑन दिस ऑपरेटर फर्स्ट, ओके, यूनरी ऑपरेटर जो है ये आपके क्या, इसमें नाम से ही क्या लगता है, यूनरी मतलब वन, और ये वन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑपरेंड्स, ओके, कि यूनरी मतलब वन, मतलब ऐसा ऑपरेटर विच इज अप्लाइड ऑन सिंगल ऑपरेंड, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, राइट, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है
कि ऐसा ऑपरेटर जो आपके सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई हो, तो आपके जहन में आएगा कि भाई क्या मतलब है, ऐसा कौन सा ऑपरेटर होगा। तो आपने कई दफा आपने लैंग्वेज में देखा है या फिर आप जानते भी होंगे, दिस इज द यूनिरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सब क्या कहलाता है, यूनिरी ऑपरेटर। व्हाई? क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, वन ऑपरेंड को हम लोग देते हैं और जो सेकेंड ऑपरेंड होता है, first operand given by you and second operand is always one, that is why you don't need to provide this one, right? First operand to aap doge, lekin second operand kya hoga, one hoga. Iska matlab kya hua ki when you applied plus plus operator on some operand, then operand becomes incremented by one. Agar aap plus plus use kiye ko, for example, dekhi har cheez ko example se samjhiye, to ye aapko zyada aasani hogi samajhne mein. सपोज नम में आपने कोई वैल्यू 5 डाल दिया, ठीक है। अब आप यू अप्लाइड ऑन ऑपरेटर नम प्लस प्लस, वेरी क्लियर। तो अगर आपने नम प्लस प्लस अप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड प्लस प्लस इज ऑपरेटर, राइट? व्हाट ऑपरेटर? यूनिरी ऑपरेटर। एंड नम इज व्हाट? नम इज ऑपरेंड, नम इज ऑपरेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लस प्लस है, दिस इज अप्लाइड ऑन दिस ऑपरेंड, यानी कि नम। अब इसमें बात क्या होगी कि एक तो नम आपका ऑपरेंड होगा और जो प्लस प्लस होना है यानी एडिशन होना है, उसके लिए जो सेकंड ऑपरेंड होगा दैट इज ऑलवेज वन, ये फिक्स है। इसी कारण आपको सिर्फ एक ऑपरेंड देने से काम चल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ दिस नम बिकम सिक्स, है ना। पहले से आपके पास क्या था, 5 था, और ये अब आपका क्या हो गया, प्लस वन हो गया। तो नाउ दिस नम बिकम्स 6, ओके। ये आपका इस तरह से आप इमेजिन करो, है ना, कि देयर इज सम मेमोरी लोकेशन दैट इज कॉल्ड नम, और उसमें आपका क्या था पहले से, 5। अब ये नम प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। देखिए ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको कह सकते हैं, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन दिस वन। तो इसमें क्या हुआ कि नम की जो वैल्यू है 5, वो इंक्रीमेंट किससे हो गया, 1 से। नाउ दिस बिकम 6, ओके। तो अब ये 5 क्या हो गया, 6। देखिए यही नम, ये नम है जो आपका वैल्यू पहले से इसमें रखा हुआ 5, और सेम मेमोरी लोकेशन का आपको ये चेंज हुआ है, ठीक है ना। 5 प्लस 1 किस में चला गया, नम में, 6 हो गया, ठीक ना। तो आप जो ये नम प्लस प्लस लिखते हैं उसका यही असल मतलब होता है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर, राइट। कई बार आप देखते होंगे प्लस प्लस नम भी लिखा रहता है, ठीक है, प्लस प्लस नम लिखा रहता है। देखिए जब बात अपन करते हैं सिर्फ नम प्लस प्लस या प्लस प्लस नम, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ हो और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बोथ हैव सेम मीनिंग, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, नम की वैल्यू 1 से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इस पे फिर बात अभी और चर्चा करेंगे हम लोग। उसी तरीके से अगर प्लस प्लस के जगह आपका क्या लिखा रहे, माइनस माइनस, तो दिस विल वर्क सेम एज, राइट। अब आपको अंदाजा लगा कि आप बोलोगे कि मैम ठीक है, जो आपने 5 को 6 किया, अब ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, 4 होगा। भाई ये बढ़ेगा तो 1 से, घटेगा भी तो 1 से ही। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं यूनिरी ऑपरेटर इज व्हाट, तो यूनिरी ऑपरेटर का एक रफ आइडिया आपको मिल गया। अब देखिए इस यूनिरी ऑपरेटर को अगर आप किसी और ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो देयर इज डिफरेंस, राइट। इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये अभी अगर हमने अकेला यूज किया है, इसको ना माइनस माइनस लिखा या माइनस माइनस नाम लिखा, बोथ आर सेम अगर ये अकेले है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी और ऑपरेटर के साथ आता है तब इसका रोल थोड़ा चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाई language is given different name for these operator. One is called pre-operator, another one is called post-operator. है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्री पोस्ट में, क्योंकि जब ये किसी के साथ आता है तो इसका रोल अलग हो जाता है, और जब ये अकेले आता है तो दोनों एक जैसा ही काम करता है, ठीक ना। तो इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं। तो आपको क्या मैंने बोला कि अब देखो ये यूनिरी ऑपरेटर थोड़ा आप समझ गए हो, तो अब इसको मैं थोड़ा इसका दूसरे किसी ऑपरेटर के साथ यूज करके डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट कि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो यूनिरी ऑपरेटर को आप क्या बोलोगे, टू टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक ना, प्री यूनिरी एंड पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर, क्लियर। तो देखो मैं इसको लिख रही हूँ प्री यूनिरी, पहले लिखो यूनिरी ऑपरेटर और इसको टू टाइप्स में डिवाइड करो। देखो एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये सब लिख करके एग्जाम्पल के साथ समझाना है, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के आप बहुत ज्यादा मार्क्स को उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना।
सॉरी, तो आपको हमेशा एग्जाम में सवाल में ध्यान रखना है कि एग्जाम पर देना ही देना है, ठीक है। तो आप देखिए इस यूनिटरी ऑपरेटर को अपन किस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, प्री और पोस्ट में। देखिए जैसे नाम आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको कुछ भी रटने जैसी बात नहीं करनी है। प्री मतलब जहां ऑपरेटर आपका क्या लगा हो पहले, ठीक है। प्री मतलब व्हेन ऑपरेटर इज अप्लाइड अर्लियर, राइट। जैसे यहाँ ऑपरेंड क्या है आपका, सेम ऑपरेंड मैंने लिया है नाम, तो अगर नाम से पहले आपने प्लस प्लस लगा दिया तो आप कैसे याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड प्री। एंड नाम के बाद यानी ऑपरेंड के बाद अगर आपने ऑपरेटर लगाया प्लस प्लस या मान लीजिए माइनस माइनस, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड पोस्ट। यहाँ आपने बाद में लगाया, यहाँ आपने पहले लगाया, समझ रहे हैं आप हमारी बात, तो आप बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या आपका नेक्स्ट आती है बातें, नेक्स्ट इसमें आती है कि जब आपने प्री और पोस्ट लगा दिया तो अब इसमें बात क्या आती है बताओ आप। हाँ, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक ऑपरेटर के साथ, ठीक ना। अब अगर अगर इसको अकेले आपने यूज किया, चलो आए ना मैंने नंबर ले लिया फिर से फाइव, ठीक है, कहोगे आप फाइव फाइव बार बार क्यों ले रहे हो, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ अगर आपने फाइव ले लिया तो फाइव में प्लस माइनस कुछ भी करके आप सेम रिजल्ट आएगा, भाई माइनस माइनस नम लिखो या नम माइनस माइनस लिखो, यू विल गेट ओनली फाइव, राइट। या फिर प्लस प्लस नम लिखो या नम प्लस प्लस लिखो, यू विल गेट सिक्स। बट वेन यू अप्लाइड दिस ऑपरेटर विथ सम अदर ऑपरेटर, राइट। अब सम अदर ऑपरेटर में चलो सम नाम का एक ऑपरेटर लेते हैं, थोड़ा नाम अच्छा रहता है तो लिखने में और समझने में मजा आता है ना। यहाँ देखिए ये प्लस प्लस लगा दिया मैंने, या इधर लिख दिया मैंने सम इज इक्वल टू प्लस प्लस नम। अब इसका रोल थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, तो सम जो है ये डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ आई जे के योर नेम कुछ भी आप रख सकते हो, बस वो एक वैलिड वेरिएबल नेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सम इज एग्जैक्टली वैलिड वेरिएबल नेम, क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नेम जो होता है वैलिड कब होता है, जब वो कीवर्ड नहीं होनी चाहिए, सम कोई कीवर्ड नहीं है, उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई स्पेस मैंने नहीं दिया है। ये वेरिएबल का नाम कभी नंबर से नहीं शुरू होने चाहिए, आप देखो ये कोई नंबर से नहीं शुरू हुआ है ना। फिर चौथा और आखिरी रूल क्या होता है वेरिएबल का, कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो सिवाय अंडरस्कोर के, है ना। अब स्पेशल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे नंबर और अल्फाबेट दो ही सिंबल यूज होता है आपका वेरिएबल के नाम में, और साथ में एक अंडरस्कोर सिंबल आप यूज करते हो। इसके अलावा आप कोई वेरिएबल का नाम में कोई सिंबल आप यूज नहीं करोगे, नंबर भी शुरू में अलाउड नहीं है, उसके बाद आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लेटर नंबर वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको बात थोड़ा सा रिकॉल करा दिया हमने कि भाई वेरिएबल का नाम जब अपन लिखते हैं तो ये छोटे चार रूल को ध्यान रखना चाहिए, कि भाई ये नंबर से नहीं होना चाहिए शुरू, ये नंबर से शुरू नहीं हुआ है, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड हुआ है, ये कोई कीवर्ड नहीं होने चाहिए, सम कोई कीवर्ड नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं यूज होने चाहिए सिवाय 0 to 9 AUZ और अंडरस्कोर के। तो ऐसा भी इसमें आपने कोई सिंबल यूज नहीं किया, तो इट इज वेरी फर्स्ट क्लास की आपका वेरिएबल नेम है। आप कहोगे मैम ये सब बात आपने क्यों छोड़ दिया, छेड़ दिया, मैंने इसलिए छेड़ दिया कि आप थोड़ा सा इसको भी रिकॉल करते रहो, है ना, ये बेसिक चीजें हैं, ये जान लो आप, है ठीक है। तो अब देखो सम में जब आपका ऑपरेटर, यहाँ खास बात क्या है कि नाउ देयर आर टू ऑपरेटर इन दिस एक्सप्रेशन, वन इज असाइनमेंट, अनदर वन इज पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ भी क्या है, दो ऑपरेटर, वन असाइनमेंट और दूसरा प्री इंक्रीमेंट। तो देखो जब आप इस तरीके से दो ऑपरेटर के साथ इसको यूज करते हो तो इसमें प्रेसिडेंस देखना पड़ता है। तो अब इसमें देखो मैं नंबर एक नंबरिंग कर देती हूँ प्रेसिडेंस का, आपको तो पता है कि बार बार मैंने आपको बताया, कई जगहों पे बताया कि भाई एक से ज्यादा अगर ऑपरेटर हमारा एक्सप्रेशन में लिखा जाता है तो वहां प्रेसिडेंस रोल प्ले करता है कि विच वन हैज हायर प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी अधिक होती है उसको पहले इवैल्यूएट करना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी रोल प्ले करता है कि जब आपका असाइनमेंट के साथ क्या आया है, पोस्ट इंक्रीमेंट आया है, तो अधिक प्रायोरिटी किसकी होगी, नंबर वन प्रायोरिटी आपको असाइनमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ जो नम प्लस प्लस यानी ये है पोस्ट ऑपरेटर, तो इसका जो प्रायोरिटी होता है वो सेकेंड हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपने प्री इंक्रीमेंट किया है और असाइनमेंट किया है तो पहले जो प्रायोरिटी आती है वो किसकी होगी, तब इस केस में पहले प्री की आएगी बाद में असाइनमेंट की आएगी। मेरी बात आपने गौर किया क्या, अगर नहीं भी किया तो जरा फिर से सुन लो कि अगर आपका ऑपरेटर क्या हो रहा है,
एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर आपका यूज हो रहा है तो उस परिस्थिति में आपका क्या होता है, प्रायोरिटी चेक होती है कि यहाँ पर जो प्रायोरिटी है ये असाइनमेंट को क्या दिया गया है, ज्यादा दिया गया है, और इंक्रीमेंट को क्या दिया गया है, कम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी असाइनमेंट को मिला, सेकंड प्रायोरिटी किसका मिला, इंक्रीमेंट का। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि अगर आपका प्री इंक्रीमेंट है, प्री के नाम से ही पहले क्या लग रहा है, पहले कर दो, है ना, प्री है, पोस्ट को टाल सकते हो लेकिन प्री को क्या करना है, पहले करना है। तो यहाँ क्या है याद रखने के लिए कि प्री को जो प्रायोरिटी दी गई है वो फर्स्ट दी गई है और बाद में असाइनमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इस केस में जो सम है आपका, देखिए इस केस में क्या है, सम है और देयर इज नम, राइट। ठीक है, ये देयर इज नम एंड देयर इज अगेन सम फॉर दिस एक्सप्रेशन एंड नम फॉर दिस एक्सप्रेशन, दोनों के लिए, दोनों एक्सप्रेशन में मैं नम की वैल्यू 5 एज्यूम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सम में क्या होगा, पहले असाइन होगा यानी कि नम असाइन होगा, नम की वैल्यू सम में यानी कि 5 किसमें असाइन हो जाएगा, सम में हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि भाई 5 में भी क्या स्टोर है, 5 कहाँ स्टोर है, नम में। तो नम पहले क्या करेगा, सम में असाइन करेगा, फिर इसी लाइन में नम को क्या करा जाएगा, इंक्रीमेंट कर देना है। इन दिस लाइन इटसेल्फ दो ऑपरेटर है ना, तो दो काम तो होना ही है, असाइनमेंट भी होना है और इंक्रीमेंट भी होना है। तो लेकिन सवाल उठता है पहले किसको होना है, तो आप समझ गए पहले किसको होना है, पहले असाइनमेंट को होना है, बाद में क्या होना है, पोस्ट इंक्रीमेंट होना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर है, ठीक उसी तरीके से आपका पहले क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट है और ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो अभी फिर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए भी नम को 5 ही मान रही हूँ, कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। देखिए नम दोनों के लिए मैं 5 मान रही हूँ, ठीक है, जब नम दोनों के लिए 5 है तो ये प्लस प्लस नम है ना, तो ये पहले प्री को पहले करना है यानी प्लस प्लस करना है। तो यहाँ नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 6 और सम में भी क्या जाना है, 6। क्यों भाई, क्योंकि पहले नम 6 हो गया और वही नम को वैल्यू असाइन किया गया, तो इस केस में क्या हो गया, वैल्यू 6 और 6। क्लियर है, तो होपफुली आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बच्चे का जो कंफ्यूज होने का जगह था वो यहीं पर ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार नम प्लस प्लस लिखा रहे या प्लस प्लस नम, तो दोनों सेम इफेक्ट है। तो ये सेम इफेक्ट है, दोनों में इंक्रीमेंट वन से हो रहा है या दोनों में डिक्रीमेंट वन से हो रहा है, लेकिन जब इसी को आप किसमें यूज करते हो, असाइनमेंट के साथ, तब रोल अलग हो जाता है इसका। ठीक है ना, तो रोल क्या है ये आपको याद रखना है, बस क्लियर हो गया। तो अब इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस माइनस होगा तो ये क्या करता, यहाँ पर क्या होता, 5 ही होता लेकिन घट के यहाँ क्या हो जाता, 4। और अगर ये माइनस माइनस आप यहाँ करते तो नम की वैल्यू पहले मन से डिक्रीमेंट होती, तो मैं कर ही देती हूँ, है ना, पहले ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो तो हुआ सेम रह जाएगा, ठीक है नहीं, देखिए इसमें सेम रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, असाइन होगा तो सम में तो पहले 5 ही जाएगा, लेकिन जब ये डिक्रीमेंट होगा तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली जब ये नम में, ये प्री वाला केस में नम पहले क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा यानी 5 जो है वो घट के अब क्या हो जाएगा, 4, नम 4 हो जाएगा और यही 4 वैल्यू किस में जाएगा, सम में जाएगा। तो होपफुली इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये आपका प्री और पोस्ट यूनिटरी ऑपरेटर आपके, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को पता है बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, है ना, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। और मैंने क्या बोला कि ये सब जो नामकरण किया गया है ये फॉर व्हाट, टू ऑपरेंड के लिए किया गया है ना, कि भाई ये जो ऑपरेटर है ये कितने डाटा पर अप्लाई होगा, फॉर दैट रीजन देयर इज द नेम गिवन, राइट। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेंड कितना हो जाएगा बाइनरी के केस में, 2 ऑपरेंड हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेटर जब भी आप लगाएंगे तो कितने डाटा के ऊपर लगने जा रहा है, 2 डाटा के ऊपर लगने जा रहा है, ठीक है, एक बात तो अपने को समझ में आ गया। तो देखिए नाम रखना कुछ भी नहीं है, नामकरण कुछ इस तरह से खास तौर पे कंप्यूटर साइंस में किया जाता है कि उसका जो काम है वो क्या हो, उसे मिलता जुलता रहे, है ना। तो इसमें कुछ भी रटने फटने जैसी बात नहीं है, इसको प्यार से समझते रहना है। तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेटर है इसको जो डिवीजन दिया गया है, ये देखो, चलो इसको कौन कौन सा है,
ये देखो बाइनरी ऑपरेटर में प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवीजन आता है ना, और क्या आता है मॉडुलो ऑपरेटर, मुख्य तौर पे ये आपके ऑपरेटर क्या होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है अगर प्लस करना है किसी दो डाटा को, जो कि नम वन नम टू से आप अगर थोड़ा नम वन लिखने में मुझे बड़ा लग रहा है ना, तो मैं एन वन लिख सकती हूँ, है ना, यू विल बी एग्री। तो देखो एन वन मैंने लिख दिया है ना, और दूसरा एन टू लिख दिया, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ना इसके लिए हमेशा आपको टू ऑपरेंड चाहिए। अब ये टू ऑपरेंड इस केस में क्या है, n1 और n2, और n1 n2 क्या है, तो यकीनन ये कोई वेरिएबल नेम है। अब वेरिएबल नेम क्या होगा, मेमोरी का नाम। मेमोरी का नाम क्यों होता है, क्योंकि वहां हम डाटा स्टोर करते हैं। नामकरण क्यों करना पड़ता है, अगर आप नामकरण नहीं करिएगा तो डाटा मेमोरी से निकाल दिएगा कैसे, तो कहिएगा डाटा हम मेमोरी में डाल ही नहीं पा, क्यों, अगर आप डाटा मेमोरी में नहीं डालिएगा तो कंप्यूटर में डाटा रखिएगा कहाँ, तो कंप्यूटर में तो दे रही जो कि 1 प्लस 2 स्टोर डेटा इनटू मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी है कि नहीं, तो दैट इज व्हाई। तो बात समझ में आ गई, अब आपको बस ये चेक करना है कि इज इट वैलिड वेरिएबल नेम, तो आप कहेंगे बिल्कुल 100%, क्यों, क्योंकि नंबर इज अलाउड आफ्टर 1 कैरेक्टर, तो n के n अपनी जगह 1 नहीं हो सकता, स्टार्ट में नंबर अलाउड नहीं है, लेकिन फर्स्ट लेटर को छोड़ करके उसके बाद कहीं भी आप नंबर वेरिएबल नेम में दे सकते हैं। तो पहला रूल तो ये पास कर गया। दूसरा रूल क्या है कि इसमें स्पेस नहीं होने चाहिए, जीरा स्पेस नहीं है। तीसरा रूल क्या है कि इसमें नंबर अल्फाबेट और अंडरस्कोर को छोड़ करके कोई सिंबल यूज नहीं किए जाने चाहिए वेरिएबल नेम में, सो आपने नहीं किया है। एंड लास्ट आखिरी रूल क्या होता है, कीवर्ड नहीं होने चाहिए, तो एन वन एन टू को कीवर्ड आपके कंप्यूटर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वेरी सिंपल, चलो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इस तरह, है ना, कि चलो यहाँ एन वन एन टू लिख दिया मैंने, ठीक है, जो वैल्यू इसमें लिखा हुआ है उसी को मैंने ले लिया, वेरी क्लियर। तो अब आप देखो इसको समझो थोड़ा सा, इससे आपका प्रोग्रामिंग का समझ और बढ़ेगा, ठीक है, निश्चित तौर पे आपको मजा आ रहा होगा, है ना, आप लगातार देखते रहो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो एन वन प्लस एन टू लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर विल टेक वैल्यू फ्रॉम एन वन यानी 5 एंड फ्रॉम एन टू यानी कि 4। यहाँ पर जो कंप्यूटर को विजिबल होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, 5 एंड 4। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस दोनों डाटा को ऐड कर देगा, क्यों, ड्यू टू दिस ऑपरेटर, ठीक है। अब कहोगे कि मैम अगर डाटा तो ऐड हो गया, बात सही है, क्या ये डाटा कहीं विजिबल होगा, ये जो 5 प्लस 4 हुआ ये 9 हुआ, तो इज इट विजिबल एनीवेयर इन कंप्यूटर, तो मेरा जवाब होगा सॉरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसको तुमने कहीं प्रिंट किया, अगर आपने प्रिंट कर लोगे तो कम से कम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा, मान लो इसको प्रिंटर में आपने लिख दिया इस तरह से, देखो मैं इसको लिख भी देती हूँ, ठीक है, प्रिंटेड में लिख दिया मैंने। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि मैम यहाँ तो वेरिएबल एन वन एन टू दो है, आपने परसेंट भी एक क्यों लिखा, तो उसका कारण ये होता है माय डियर, क्योंकि यहाँ जो आपका एन वन प्लस एन टू है ये दो लिखा हुआ जरूर है, पर ये क्या है, ये दिस इज एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो सिंगल होगा, और वो सिंगल होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो निश्चित तौर पे अगर एन वन एन टू आपका इंटीजर है तो ये डाटा जो सम आएगा दैट इज आल्सो क्या इंटीजर, दैट इज व्हाई यू हैव गिवन हियर परसेंटेज, और वो भी ए, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ एन वन इन टू फ्लोट टाइप ले लेता है तो उसको वहां पर क्या देना पड़ेगा, परसेंट एफ देना पड़ेगा, क्लियर है ना हमारी बात। चलो और क्या, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहती, तो यहाँ पर देखो आप समझ रहे हो, तो ये एन वन प्लस एन टू यानी कि 9 आपको विजिबल होगा, लेकिन अगर आप कहीं एक्सप्रेशन में इसको लिख दिए तो ये रिजल्ट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। तो इसको किसी मेमोरी में अगर स्टोर करना है तो आपको किस ऑपरेटर का मदद लेना पड़ेगा, 1 असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलो इसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऐड कर दो, क्योंकि इसको भी तो भाई दो डेटा चाहिए ना, दो मेमोरी चाहिए ना, एक तो इस तरफ का राइट का डाटा और दूसरा लेफ्ट का, है कि नहीं। तो इसका रूल क्या होता है कि हमेशा ये क्या करेगा, राइट साइड के साइड में जो कुछ भी आपका लिखा होगा पहले उसको इवैल्यूएट करेगा, एंड आफ्टर इवैल्यूएशन इट विल पुट इट इनटू N3, राइट। तो N3 में ये 9 स्टोर होगा, लेकिन जब तक आप इसको किसी मेमोरी में भेजोगे नहीं या इसको किसी प्रिंटर के द्वारा प्रिंट नहीं करोगे तो ये रिजल्ट आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, है। आपको ये बात थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए मैं कर दी, बाकी ये सब लिखने की आपको इस सवाल के जवाब में जरूरत नहीं है। आप बस इतना लिखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर प्लस बाइनरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल प्लस है, इसमें हमें दो ऑपरेंड चाहिए n1 प्लस n2, ये काम कैसे करता है, बस एक एग्जांपल देके बात खत्म कर देनी है, ठीक है।
तो चलो अब इसी तरीके से अगर माइनस की बात करें अपन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन वन माइनस एन टू, यानी आपका कंप्यूटर क्या करेगा, फाइव माइनस फोर, आपका आउटपुट में क्या आएगा, वन आएगा, है ना। एन वन माइनस एन टू क्या आएगा आपका, वन आएगा। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मैम आपने एन वन माइनस एन टू लिखा, फिर यहाँ भी एन वन माइनस एन टू लिखा, क्या इस तरह से दो बार लिखने की जरूरत है क्या? तो मैं कहूंगी नहीं, असल में ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। या तो अगर आपको सिर्फ भी एन वन माइनस एन टू प्रिंट करना है, तो अगर आपने आपने प्रिंटर पर ऐसे लिख दिया तो देयर इज नो नीड टू राइट हियर, नॉट अलोन, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप एक ही जगह में लिखोगे। और अगर आप कहोगे नहीं मैम मैं तो दो जगह लिखूंगा, तो कंप्यूटर आपको कुछ परेशानी क्रिएट करेगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर तो बिल्कुल आइडियल सर्वेंट है आपके लिए। आप उसको एन वन माइनस एन टू दस दफा भी लिखोगे तो बेचारा दस दफा इवैल्यूएट करेगा, आपको कुछ नहीं कहने जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो बार आपने इस तरह से लिख दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो आपका कंप्यूटर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। पर जरा सोचिए कि दो बार आप बिना मतलब का क्यों टाइम कंप्यूटर का भी रिसोर्स खराब करोगे? अगर आपको एन वन माइनस एन टू सिर्फ प्रिंट कराना है तो आप मत ना लिखो इसको, सिंपली एक प्रिंट एंड फिनिश देना, ठीक है। और अगर आपको कुछ इवेल्युएट करना है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री प्रिंट कर सकते हो, है ना, और इसी प्रोग्राम में और कहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो मैं आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, बाकी आपको परेशान नहीं होना है बात को, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपने यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी टू ऑपरेटर चाहिए, है ना। तो टू ऑपरेटर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपको आउटपुट आएगा, तो आप अगर मान लो यहाँ भी आप n1 n2 n2 लिख सकते हो या डायरेक्ट n3 प्रिंट कर सकते हो, तो इस केस में जो आपको आउटपुट आएगा यकीनन क्या आएगा, 20 आएगा। आप एग्जांपल के साथ अगर सवाल को एक्सप्लेन करते हो एग्जाम में, तो ये सवाल आपसे पहले जब कभी भी पूछा गया तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक ना, तो आपको यू विल गेट आउट ऑफ 14 14, ये कहीं इसमें मार्क्स कटने वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 20 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से अगर आपने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया यानी 5 डिवाइड बाई 4। अब जरा इसको समझना कि ये 5 डिवाइड बाई 4, तो कुछ बच्चे हमको जवाब देंगे कि मैम ये ना ये कुछ आएगा 1.25, ठीक है। तो कंप्यूटर जो आपको आउटपुट देगा, क्या कंप्यूटर 1.25 देगा, क्या नहीं देगा? देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा माइनूटली समझने वाली चीज है, ठीक है। कंप्यूटर यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, यू शुड अंडरस्टैंड वेरी गुड वेरी क्लियरली, राइट। ये बहुत कम बच्चे इस पर ध्यान देते हैं, ये तुम्हें ध्यान देना चाहिए आप सबको। तो यहाँ देखो ये इसका जो सही रिजल्ट है वो 1.25 है, लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ अभी ऐसे लिखा है, इसमें जो आपको आउटपुट आने वाला है वो सिर्फ 1 आने वाला है। तो आप कहोगे कंप्यूटर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेसी के लिए, और आप यहाँ बता रही है 1 लिखना, तो 1 को एक्यूरेसी है नहीं, है बहुत गड़बड़ रिजल्ट दे दिया। तो देखिए एक्यूरेसी तो देगा कंप्यूटर, एक्यूरेसी के लिए ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, फास्ट स्पीड के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये सब तो इसका बेसिक प्राइमरी बात है। तो वो सब कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन जो ऑपरेटर कैसे कंप्यूटर इवैल्यूएट करता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको आप समझिए, और ऐसा ना हो ये बात तब आपको समझ में आएगा जब आप इसको क्यों हुआ ये समझ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंप्यूटर का रूल है, अगर आप किसी ऑपरेटर को जिस डेटा इंटीजर इंटीजर पर, देखो यहाँ डेटा टाइप रोल प्ले कर रहा है, ठीक ना, आपको पता है जब मैं बार बार बोल रही हूँ वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम मैं बोल रही हूँ ना, तो आप सुन भी रहे हो। तो देखो ये जो वेरिएबल का नाम है, मैंने बार बार बोला कि भाई ये तो वेरिएबल का नाम सही होना चाहिए, ठीक है, ये सही है, अच्छी बात है। तो आप एक बात और जान लो, जब कभी भी आप वेरिएबल बनाते हो तो यू हैव टू डिक्लेयर डेटा टाइप, बिना डेटा टाइप के दिए आप कभी वेरिएबल बना ही नहीं सकते, सिर्फ वेरिएबल का नाम सही होने से काम नहीं बनता आपका। तो आपको वेरिएबल के नाम के साथ डेटा टाइप देना पड़ता है, ठीक ना। अब डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे आप सी में आपका डेटा टाइप जो जनरली होता है वो क्या क्या होता है, देखो इंटीजर होता है ना, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, राइट, ये सब डेटा टाइप आपके हैं, डबल भी है। अब अच्छा इसमें भी और वेरिएशन की बात अगर मैं करूँ तो अब मैं क्या बोलूंगी, इंटीजर में भी आपका लॉन्ग इंटीजर होता है, शॉर्ट इंटीजर होता है, राइट। तो ये सब का मतलब क्या हुआ, तो यू शुड नो इट, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब नंबर, राइट, फ्लोट मतलब एक ऐसा डाटा, दैट डेटा व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। लेकिन इंटीजर और फ्लोट में अंतर क्या है, इंटीजर में जो नंबर आपका होता है
उसमें डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं होते हैं। जैसे आपने लिखा 5, तो आप यू कैन नॉट राइट लाइक 5.0, इंटीजर 5.0 नहीं लेगा, या 5.5, 5.2, इस तरह का डाटा इंटीजर स्टोर नहीं करेगा, ठीक ना। और लेकिन जब बात फ्लोट की आती है, तो फ्लोट अगर 5 को ही रिप्रेजेंट करना है फ्लोट में, तो फ्लोट में 5 क्या हो जाएगा, 5.0, है ना, 5.2, ये सब जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है डेटा का जो मेमोरी साइज है वो भी वेरी करता है। यू नो एक वेरीफाइड, अगर नहीं भी जानते हो तो परेशान मत हो, ठीक है, मैं एक एक करके सब बता रही हूँ आपको। तो अब यहाँ पर देखो, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो, जब ये इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, और आपने इस डेटा को टाइप क्या डिक्लेयर कर रखा अपने प्रोग्राम में, इंटीजर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डेटा टाइप क्या डिक्लेयर कर रखा है। अब देखो आपका क्या है डेटा टाइप, अगर आपने क्या किया, ये हो सकता है लेक्चर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छा होना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग के लिहाज से। तो मैं दोनों पार्ट अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने यहाँ पॉइंट लगाया कि नहीं लगाया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने यहाँ जब वेरिएबल बनाया n1 n2, तो आपने डेटा टाइप का नाम क्या दिया। अगर आप इसमें डेटा टाइप का नाम इंटीजर देते हो, तो इट विल गिव यू ओनली 1, राइट, ये आपका आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। क्यों ऐसे इसलिए करेगा, क्योंकि जब भी इंटीजर इंटीजर में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो वो जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, इंटीजर में ही आता है। तो परिणाम क्या होगा, इसका डिवीजन तो 1.25 है, लेकिन आपको जो आउटपुट देगा कंप्यूटर इंटीजर होने के कारण क्या करेगा, पॉइंट के बाद का जितने भी डिजिट है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। बात समझ में आई, दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग 1। अब देखो, अगर आपको डेसिमल में रिजल्ट चाहिए, तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसका डेटा टाइप चेंज कर दो, ठीक है, इसको लिख दो फ्लोट, एक तरीका तो ये है। देखो, अब जब ये डेटा टाइप आप चेंज करोगे, तो इसमें क्या होगा कि 5 और 4 ही आपने वैल्यू डाला, लेकिन यहाँ इसको आप ये क्या समझेगा, 5.0 और 4.0, तो इसको ये ऐसे समझेगा फ्लोट के केस में। अब तब आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1.25। तो फ्लोट के केस में आपको अब जो आउटपुट आएगा, दैट यू विल गेट 1.25, क्लियर है। अब चलो, इसमें बात अगर आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, हाँ, अब इसका दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ इंटीजर भी लिख दिया, फ्लोट लिख दिया, तो वो रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको फ्लोट इंटीजर ही लिख दिया, फिर भी दे वॉन्ट दैट कि हमको रिजल्ट जो है, अच्छा एक बात और यहाँ देखो, समझ लो, अगर आपने परसेंट डी दे रखा है, और भले ही इसका डेटा टाइप फ्लोट किया हुआ है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट एफ लिखना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के आपका रिजल्ट सही आएगा। अब देखो फ्लोट के केस में, लेकिन बात अब हम किसकी कर रहे हैं, इंटीजर की। अब आप कह रहे हो कि मैम हमको इंटीजर में ही क्या चाहिए, अगर हमको डाटा एक्यूरेट चाहिए तो कोई दूसरा उपाय बताओ, तो दूसरा उपाय सुन लो, तो फ्लोट तो भाई n3 को तो आपको फ्लोट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसमें डाटा आप डालने वाले हो वो तो फ्लोट टाइप चाहिए ही, अगर एक्यूरेट रिजल्ट है चाहिए डेसिमल में, तो है ना, तो n3 तो मुझे फ्लोट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कहलाता है आपका सी में टाइप कास्टिंग, ठीक है, ये सब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जो ऑपरेटर है वो लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो आपका थोड़ा सा आपकी समझ भी बढ़ानी है ना, तो मैं यहाँ पर आपको बीच बीच में जो जरूरी है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए उसको भी मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि बस एग्जाम में ये सवाल आएगा, ये हमको आंसर करना है, आपकी अगर समझ बढ़ जाएगी तो इसमें क्या नुकसान है, जस्ट लाइक द स्टोरी। आप मुझे नहीं लगता कि आप परेशान हो रहे हो हम जो कुछ भी बता रहे हैं ना, तो मजे से सुनते रहो, एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद आ जाए, याद हो जाएगा, है कि नहीं, और आपकी समझ बढ़ जाएगी आपकी प्रोग्रामिंग पर, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, अगर कोई देखो, हो सकता है आपको पता नहीं कैसा लगेगा मेरे ये एग्जांपल सुनने में, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, मान लो अगर कोई हिंदू लड़की है, उसने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर दिया, ठीक है, तो अब वो हिंदू लड़की क्या बन जाती है, आफ्टर मैरिज मुस्लिम बन जाती है उसके साथ, ठीक है, बाकी जो उसका अपना कास्ट होता है वो हिंदू ही रहता है, सही है नहीं है, ठीक है।
तो पता नहीं ये एग्जांपल मुझे लेने चाहिए कि नहीं, पर ये इससे आपको समझने में सहूलियत होगी। देखो ये इंटीजर N1 N2 है, ये हिंदू है, ठीक है, तो ये हमेशा हिंदू रहेगा अपने जोन में। लेकिन जैसे ही यहाँ आपने फ्लोट कर दिया, यानी ये इस एक्सप्रेशन के लिए ये क्या बन गया, मुस्लिम। तो यहाँ पर जो है for this expression this integer will flow will do work like flow, ठीक ना। तो अब ये जो n1 है ये क्या हो जाएगा, इस expression के लिए 5.0 हो जाएगा। मेरी बात समझे आप, for this expression, बाकी n1 आपका क्या है, n1 अपने आप में integer ही है, वो integer ही रहेगा, हिंदू रहेगा लड़की को by birth वो हिंदू ही रहेगी, लेकिन उसके लाइफ में उसके परिवार में वो मुस्लिम बन जाएगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फॉर दिस एक्सप्रेशन इट विल प्ले रोल ऑफ फ्लोट, राइट। फ्लोट होने के कारण अब ये क्या रोल करेगा, यहाँ क्या दिखेगा कंप्यूटर को, 5.0 दिखेगा, ठीक है। अब एक भी अगर ऑपरेंड इसका क्या हो गया, फ्लोट हो गया, तो आपका रिजल्ट इसमें क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा। तो ये दो तरीका है आपको एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने का, डेसिमल में या तो इसका डेटा टाइप यही फ्लोट कर दीजिए, या फिर इसको इंटीजर ही रखना है तो आप ये टाइप कास्टिंग का मदद लेंगे। टाइप कास्टिंग में जिस भी टाइप में आप डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख करके ये आपको डेटा टाइप देना पड़ता है। तो ओनली टू दिस एक्सप्रेशन ये N1 किसकी तरह रोल प्ले करेगा, फ्लोट की तरह रोल प्ले करेगा। समझ में आ गई हमारी बात। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पर चैप्टर क्लोज कीजिए। तो अभी बात हम लोग प्लस की कर रहे थे, नहीं डिवीजन तक पहुंच गए थे, है ना। तो अब बात किसकी शुरू करते हैं, अब बात शुरू करते हैं डिवीजन आपको समझ में आ गया तो मॉडुलो ऑपरेटर का, ठीक है। मॉडुलो ऑपरेटर का काम क्या होगा, देखिए आपको पता है मॉडुलो रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिमाइंडर, देखिए डिवीजन तो यहाँ भी होगा। अब जैसे 5 में आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 टाइम्स आपका डिवीजन होगा। तो ये जो जिसको सीएस कहते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, तो दैट इट विल रिटर्न, राइट। तो ये 1 आपको आउटपुट देगा, ये 1 आउटपुट क्यों दिया, नॉट ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस रिमाइंडर, राइट। तो ये रिमाइंडर के वजह से ये आपको 1 दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट यहाँ क्या आएगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये सब जो एग्जांपल है आपके, ये सब क्या कहलाते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। समझ में आ रही है ना हमारी बात। तो ये बाइनरी ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया, तो मैं लगे हाथ बाइनरी में रिलेशनल ऑपरेटर है तो उसको भी मैं क्लियर करूंगी। ये बाइनरी में देखो दो तरह का ऑपरेटर आएगा आपका, एक ये तो हो गया सब, ये सब जो कहलाएगा ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये सब के सब आपके क्या आ जाएंगे, अरिथमेटिक कैटेगरी में आएंगे, है ना। ये सब किस में आएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, जो अभी आपने डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर, वेरी क्लियर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और दूसरा जो कैटेगरी है बाइनरी का वो क्या कहलाता है, रिलेशनल ऑपरेटर, है ना। तो यही से कंप्यूटर लॉजिकल काम करता है, रिलेशनल ऑपरेटर, जो कंप्यूटर क्या करता है आपका डिसीजन लेता है ना कि भाई ग्रुप। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ही तो एग्जीक्यूट करता है, चाहे आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाइए, आपको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। तो कंप्यूटर क्या डिसाइड करेगा, जब वो इंस्ट्रक्शन को ही सिर्फ एग्जीक्यूट करता है तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, क्लियर है। तो यहाँ देखिए जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हेल्प करता है कंप्यूटर को डिसीजन लेने में। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो यही ऑपरेटर जो है, दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। ये कंडीशन लिखने में आप मदद करते हैं, क्योंकि कंडीशन, अब एक नया टर्म मैंने यूज कर दिया आपको कंप्यूटर में, कंडीशन। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन कंप्यूटर में वही होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दूसरा कुछ नहीं। ट्रू मतलब नॉन जीरो वैल्यू, देखिए सी प्रोग्रामिंग में ट्रू मतलब नॉन जीरो होता है और फॉल्स मतलब जीरो। क्या अगर नॉन जीरो का मतलब क्या, 5 अगर आपका आ गया तो वो नॉन जीरो हो गया, जीरो नहीं है ना। तो 5 भी ट्रू कहलाएगा, 2 भी ट्रू कहलाएगा, 1 भी ट्रू कहलाएगा, लेकिन 0 0 फॉल्स कहलाएगा, ठीक ना। तो ये सब जो ऑपरेटर है ना, या तो ये ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर आल्सो। अच्छा, इसको रिलेशनल ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो डाटा के बीच रिलेशन बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ N1 N2 का, ठीक है। N1 N2 आपके पास दो डेटा मान लीजिए है 5 4, तो जिसको मैंने क्या किया, चलिए आपको लिख देती हूँ मैं N1 greater than N2, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, जरा चेक करके आप बता सकते हैं। 5 N1 की जगह कंप्यूटर को क्या दिखने जा रहा है, 5, और N2 की जगह क्या दिखने जा रहा है, 4। तो 5 या 4 से बड़ा है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, 5 4 से बड़ा नहीं है,
दैट इज व्हाई इट विल इरेगुलर फॉल्स। अच्छा अब देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने में ये सब का मदद लेते हैं, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है? ट्रू होगा ना मैम? क्या बोलो बोलो, ट्रू होगा ना? हाँ यस, थैंक यू डियर, ओके ओके थैंक यू। 5 greater than 4, ओ थैंक्स अ लॉट, कई बार आप लोग मुझे बहुत मदद कर देते हो। यस 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 यस, 5 क्या है, 4 से आपका बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रू, है ना? तो ट्रू हो गया। अच्छा अब बताओ आप मैं क्या कर रही थी, मेरा दिमाग काम कर गया। हाँ देखो ये कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट लिखने में आपको मदद करता है ना, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का उदाहरण क्या है आपका, एग्जांपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, है ना? लूपिंग स्टेटमेंट में भी कंडीशन आपको देना पड़ता है, लेकिन तो यू हैव टू राइट सो मेनी प्लेसेस वेयर कंडीशन, तो कंडीशन हमेशा किससे लिखा जाता है, इन सारे ऑपरेटर से, क्लियर है? कंडीशन मतलब जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं कि भाई अगर ट्रू होगा तो वो